हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को शुभ छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली गाइस। तो यहाँ पर सुबह क्लीनिंग मैंने कर ली थी, अपनी झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये सीढ़ियों को जो है डेकोरेट कर देती हूँ। ये मेरे वाले फ्लोर से ऊपर की तरफ जाती है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि बीच में सीढ़ी और ग्रिल के बीच में गैप नहीं था तो वहाँ से नहीं जा सकती थी, तो यहाँ पर मैं ये सब कर रही हूँ। और परी मेरी हेल्प कर रही है और ये मैंने टेप के हेल्प से इसको थोड़ा सा ना पक्का कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें ना फिर बार बार उतर के गिर जाती है इसीलिए। और इसके बाद मैं फिर से मतलब और बाकी की अपनी तैयारियां करूंगी पूजा के लिए और निकाल के रखूंगी। हर बार जैसा सोचा जाता है वैसा तो नहीं होता, बट टाइम पे जो हो जाए अच्छे से वो ज़रूरी है। और भगवान आपकी भावना देखते हैं, आपके मन के भाव देखते हैं कि आप क्या चीज़ कैसे प्लान करते हो, कैसे मैनेज करते हो। बाकी तो जैसी हरी इच्छा होती है वैसा ही सब कुछ होता है। फ्रेंड्स, डेकोरेशन करते करते ना सबको भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कि वाइट सॉस पास्ता बना लेती हूँ। और ये सिर्फ इतना ही नहीं बना है, ये सब इसमें से हस्बैंड जी को और परी को मैंने दे दिया, तो ये बच गया था कि अगर थोड़ा बहुत यूज़ होगा तो और ले लेंगे दोबारा से। और बाकी के काम में लग गई मैं। अभी मेरी डेकोरेशन जो है हो गई है कम्प्लीट। मैंने थोड़ा सा किया था फिर मैंने छोड़ दिया था, बीच में परी झांक रही है और मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन डेकोरेशन कैसा हुआ है ये देखिए। इधर भी मैंने ये लाइटिंग के बीच में एक ये लगाई है बेल पर, वो मनी प्लांट वाली बेल, और ये सब लगाया है। और यहाँ पर ये झूमर है और यहाँ तक लाइटिंग रखी है, ये जलती है तो बहुत सुंदर लगती है। पर जलाना बेटा एक बार, लाइट जलाना पर लाइट। हाँ, और ये दीवार की जो डेकोरेशन है ये मैंने नहीं करी है, ये परी ने करी है। ये देखिए ऐसे रखा है इसने सब कुछ प्रॉपर, ये पूरी दीवार कवर करी है और ये लाइट है। अरे बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बेडशीट अभी चेंज नहीं हुई है, वो करूँगी कल सुबह मॉर्निंग में। और अभी आज है धनतेरस, सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। और परी छुप जा रही है और तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, मतलब मैं थक चुकी हूँ अब सारी चीज़ें कर करके ना, मैं थक गई हूँ। देखो कैसे कर रही है बच्ची। तो अभी मैं वापस से मार्केट में जा रही हूँ, कुछ काम है, कोई चीज़ मुझे चेंज करनी है और उसके बाद मतलब आने के बाद दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और कैसे कैसे क्या करा है। थकान इतनी हो रही है ना गाइस, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब दिवाली का त्यौहार मनाने से पहले ही ना हालत ख़राब हो जाती है और ये लड़की कुछ ना कुछ कर रही है ना मेरे पीछे खड़ी होके। अभी सो रहा है और हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं अकेले हम, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट फटाफट से, वहाँ से आने के बाद मिलती हूँ। और किसने क्या क्या ख़रीदा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने परी के लिए अभी कुछ सोच के रखा है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आने के बाद और फिर देखते हैं, चलते हैं मार्केट में। कहाँ अंदर? सो फ्रेंड्स, मार्केट से मैं आज क्या क्या लाई हूँ वो बताती हूँ आप लोगों को। और उससे पहले मैं दिखाती हूँ, मैंने ना ये मसन्स के कवर बनाए हैं, घर पे बनाए हैं, मतलब ये वाले इनके लिए, और आ जाएगा इसमें अच्छे से। और ये बनाए हैं 5 पिलो कवर घर से ही, मैंने गोल्डन कलर के ना मंगा के रखे हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इन पिलोज इन कुशंस के साथ ना बड़े रह जाएंगे। ये 14x14 के हैं और वो 16x16 के आए हैं, तो इसीलिए मैं इनको सोच रही हूँ कि अब मतलब मैंने मेरे को रात को बैठकर ये सिलना पड़ा। पीछे मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज किया है और फ्रंट में मैंने ये
यूज़ किया है। अभी तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में बहुत अर्जेंट बनाया, रात को दो सारे सेम ही बनाए हैं। तो पांच तो मैंने ये पिलो कवर्स बनाए हैं और दो बनाए हैं ये मसलन कवर, तो इनको इसमें डाल के रखूंगी, दिखाती हूँ आपको। ऐसे बहुत ही इजी था, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैंने रात में कट किया इसको, डाला, बनाया, मतलब बनाया इसको अच्छे से। बहुत अर्जेंट, मतलब ऑन टाइम मेरी तैयारियां कुछ कुछ चल रही हैं, बना लूंगी करने के चक्कर में ना रह गया मेरा सब। इतने अच्छे से ये मतलब बन के आया है ऐसे। ये इसमें मैं नॉट लगा दे रही हूँ ताकि और अच्छे से मतलब ये लगे। ये देखिए कितना सुंदर सा मसलन कवर हमारा मसलन मतलब रेडी हो गया है ये वाला। और ये मैंने बाहर अपने जो मेरा ड्राइंग रूम है ना उसके दीवार से के लिए बनाए हैं सारी चीजें। इस बार बिल्कुल सिंपल बनाए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मतलब बहुत अच्छे से लेस वेस लगा के डेकोरेट करके। इसमें तो बहुत सारी वैरायटी हम बना सकते हैं। तो ये दिखाने के बाद गाइस अब बारी आती है कि मैंने धनतेरस पर क्या क्या खरीदा है। सो गाइज ये दिखाने के बाद अब बारी आती है कि मैंने धनतेरस पर क्या क्या लिया है। तो धनतेरस पर मेरा इस बार पहले से ही प्लान फिक्स था गाइज, सोना बहुत ज्यादा महंगा है तो मिडिल क्लास लोगों के लिए तो नहीं, मैं वैसे भी मुझे नहीं लेना था इस बार। मेरा प्लान था कुछ ऐसी चीजें लेने का जिसको ना कि मैं घर में रख कर टेंशन में रहूं कि इसकी सेफ्टी कैसे क्या, क्योंकि अकेले रहते हैं घर में तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, इधर उधर आना जाना सब चीज रहती है हमारी। तो इसीलिए जो मेरा फिक्स था पहले कि इस बार मैं तांबे का कुछ ना कुछ लूंगी जो हेल्थ के हिसाब से सही हो, तो ये मैंने लिया है जग तांबे का। और इसके साथ मैंने ना लिया है ये ग्लास, एक ग्लास, इसको रात भर भर के रख दो पानी को और सुबह मॉर्निंग में खाली पेट पियो, ये है इसके साथ ग्लास। ग्लास अलग से खरीदा है और ये अलग से लिया है, तो यूजफुल है ना, और हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ ये है इसका कवर, ऐसे लग जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये लिया है मैंने, पहले से ही डिसाइडेड था कि मतलब मुझे ये लेना है। और जो है ना जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो मैंने एक चीज देखी करवा चौथ के बाद, तो मैंने देखा था करवे, ठीक है, तो ये थे वो करवे पीतल के। तो एक मैंने पीतल का ये लौटा करवा लिया है, पीतल का करवा है, इससे बड़ा साइज नहीं था इसलिए मुझे ये लेना पड़ा कि चलो कोई बात नहीं काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, त्योहारों पर ही रखना होता है। इसके साथ अहोई के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा लोटा लेना है, तो ये हो जाएगा बहुत सुंदर सा, मतलब छोटा सा भी मुझे बहुत क्यूट लगा, इतना छोटा भी नहीं है लेकिन ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा पूजा के लिए, तो हम जब भी पूजा में रखते हैं ना वो सब के लिए। इससे पहले पीतल का एक इतना बड़ा लोटा जो मैं पूजा में हमेशा यूज करती हूँ वो मम्मी ने मुझे दे रखा है जब मम्मी मुझे दिवाली देती है। और अब बारी आती है हस्बैंड जी के गिफ्ट के लिए। वैसे तो साल भर गिफ्ट मतलब मुझे ऐसा कोई खास कभी कोई गिफ्ट मिला नहीं है कि मैं बोलूं कि मुझे कोई गिफ्ट मिला है, हाँ लेकिन इस बार मैं पतिदेव के लिए गिफ्ट जरूर लेकर आई हूँ। क्योंकि हर साल क्या होता है मतलब ये हमारे अंदर रहता है कि हस्बैंड से क्या गिफ्ट मिला, हस्बैंड से क्या गिफ्ट मिला, तो मेरा उल्टा है, वो मुझे नहीं, मैं उन्हें गिफ्ट देती रहती हूँ। लेकिन उससे पहले गिफ्ट की बारी आती है परी के गिफ्ट की। तो ये एक ड्रेस है जो मैं परी के लिए लेकर आई हूँ, ये क्या है कैसी उस पर लगने वाली है, ये तो जब वो दिवाली वाले दिन पहनेगी तभी आप लोगों को दिखेगा। येलो कलर की है ये, तो है परी के लिए। और
और अब बारी आती है हस्बैंड जी के गिफ्ट्स की, गिफ्ट की। तो उनके लिए मैंने लिए हैं, दो गिफ्ट लिए हैं उनके लिए। तो फर्स्ट है उनका चेन लिया है मैंने चांदी का, क्योंकि धनतेरस पर चांदी भी खरीदना शुभ माना जाता है। और एक गिफ्ट है परी के लिए, उसके लिए छोटा सा चांद का मैंने लॉकेट लिया है। और पति देव के लिए एक तो चेन और उसमें पेंडेंट भी है राधे कृष्ण का है, और दूसरा मैं उनके लिए लाई हूँ ये कुर्ता सेट, अगर उन्हें पसंद आया तो वो दिवाली पर पहन ही लेंगे। तो ये थी मेरी, और इसके साथ मैंने लिया है झाड़ू और खील पताशा, और मतलब स्वीट्स है, कैंडल्स हैं, जो भी मतलब चीजें हैं दिवाली पर छोटी छोटी शुभ की चीजें होती हैं वो सब है। तो इसी के साथ ये रहा मेरा धनतेरस का व्लॉग, और डेकोरेशन पूरा हो गया है, परी ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। घर के अंदर मैं ज्यादा तामझाम नहीं करती हूँ गाइस, मैं इंडोर हो गया, बालकनी होगी बस वही मैं डेकोरेट करती हूँ। हालांकि अभी बालकनी मेरी रह जाती है तो उसको करेंगे कल सुबह छोटी दिवाली वाले दिन। और बाकी यही था मेरा शॉपिंग का, और मैं मतलब सच बताऊं गाइस इतनी थक जाती हूँ ना मैं ये सब चीजें करके, मैं क्या ही बताऊं। तो इसी के साथ कैसी रही आप लोगों की धनतेरस, सबने क्या क्या खरीदा, और आप लोग दिवाली किस दिन मना रहे हैं, 31st को या 31st अक्टूबर को या 1 नवंबर को, कमेंट करके जरूर बताना। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों से उम्मीद है आप लोगों का साथ है, सभी को हैप्पी धनतेरस, शुभ छोटी दिवाली और हैप्पी दिवाली, राधे राधे।